सुप्रभात बच्चों, नाथ ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ जो CBSE द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से कक्षा 10 के लिए है। इसमें एक कविता है, पर्वत प्रदेश में पावस, सुमित्रा नंदन पंत जी की बहुत अच्छी रचना है। आइए सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत जी की जीवन परिचय एक बार हम दो एक नज़र से देख लेते हैं, जो इस प्रकार है। इनके जन्म को देखें तो जन्म 20 मई 1900 में उत्तरांचल के अल्मोड़ा में हुआ। पिता का नाम गंगादत्त पंत, सम्मान इनकी इनको रचनाएं पर बहुत सारे सम्मान से विभूषित किया गया था, पद्मभूषण, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी। एक ऐसे कवि जिन्हें सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वही सुमित्रा नंदन पंत हैं। प्रभाव, इनके जीवन काल पर 3 महापुरुषों का प्रभाव पड़ा था, जो महात्मा गांधी जी हैं, कार्ल मार्क्स हैं और योगी अरविंद जी हैं। इन 3 महापुरुषों ने इनके जीवन पर अपना प्रभाव डाला था। कार्य क्षेत्र देखें, किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया तो उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े रहे, लोकायतन सांस्कृतिक संस्था थी उससे भी जुड़े रहे। फिर इनकी रचनाएं पर एक नज़र डालते हैं, वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या और लोकायतन। इनकी मृत्यु देखें तो मृत्यु इनकी 26 दिसंबर 1970 में हो गई। इसी दिन ये इस लोक को छोड़कर परलोक चले गए। आइए अब इनकी रचनाओं पर, इनकी कविताओं पर एक नज़र डालते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस, पर्वत प्रदेश में पावस, सर्वप्रथम इस शीर्षक का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस यानी कि पावस ऋतु, पावस एक ऋतु का नाम है, इसे वर्षा ऋतु हम लोग बोलते हैं। 3 ऋतुएँ होती हैं, ग्रीष्म, शरद और वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु की इसमें चर्चा की गई है, पावस प्रदेश में पावस, पर्वत प्रदेश में पावस, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ चारों ओर पर्वत से वो घिरे हों और जब बारिश की बूंदें उस पर्वत श्रृंखला पर पड़ती है तो बारिश की बूंदें कहाँ जा सकती है, जबकि उसका कोई निकास नहीं है। तो बारिश की बूंदें संग्रहित होकर जो एक बीच का जो क्षेत्र है उसमें जो संग्रहित होती है तो वो किसका निर्माण कर सकती है, एक ताल का निर्माण कर सकती है, एक तालाब का निर्माण कर सकती है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। आप लोग भी सोच सकते हैं कि जब बारिश का महीना आता है, सावन भादो जब छाने लगते हैं तो कभी क्या होता है, धूप आ जाते हैं, कभी छांव हो जाते हैं, कभी क्या होता है कि बारिश होने लगती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, छायावादी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति की बहुत सजीव वर्णन करते हैं। वैसे कवि जो प्रकृति की सजीव वर्णन करते हैं उन्हें छायावादी कवियों में स्थान दिया जाता है। तो प्रसाद, पंत और निराला 3 कवि हैं जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। तो पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाकार यानी कहने का मतलब ये कि करघनी के आकार का, करघनी यानी कि जो बच्चे अपने कमर में पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं, करघनी। तो उसी के आकार के, करघनी को अगर बच्चे के कमर से खोल लिया जाए उसका आकार क्या है आप समझ सकते हैं, उसी के आकार का, गोल आकार का पर्वत है मेखलाकार पर्वत अपार। बहुत लंबी श्रृंखला है पर्वत की, बहुत लंबी ऊंची चोटी है। अपने सहस्त्र दृग सुमन फार, उस पर्वत पे कुछ फूल खिले हुए हैं। तो कभी यहाँ पे उस फूल को
क्या बता रहे हैं जरा गौर कीजिएगा। अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फार, सहस्त्र मीन्स हजार, दीर्घ मीन्स आँखें, सुमन मीन्स पुष्प और फार मीन्स फारना, फार फार कर देखना। अपने हजार पुष्प रूपी आँखों से, अपने हजार पुष्प रूपी आँखों से वे फार फार कर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अवलोक रहा है बार बार, अवलोक करना मतलब देखना, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। मैं आपको पहले बता दिया कि चारों तरफ से पर्वत घिरे हैं, पानी का निकास नहीं है, तो बीच में एक ताल का निर्माण हो गया है। नीचे निज जल में महाकार, क्या अवलोकन कर रहा है वो? वो अपने हजार आँखों से, हजार पुष्प रूपी आँखों से क्या अवलोक रहा है? तो अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। नीचे जो जल वहाँ संग्रहित हो रहा है बारिश के दिनों में, उसमें अपने महान आकार को, विशाल आकार को वो देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, जिसके चरणों में पलाताल। देखिए कवि यहाँ पे पर्वत का मानवीकरण किए हैं। पर्वत का मानवीकरण करने का मतलब ये है कि आप लोग अलंकार पढ़े होंगे, उसमें एक भेद में मानवीकरण अलंकार भी आता है। तो वैसी क्रियाएं जिसमें पेड़ पौधे को, पशु पक्षी को, सृष्टि की जितनी भी रचनाएं हैं जो कि अचैतन्य है, जिसमें जान नहीं है, पर्वत में जान नहीं है, तो उसको क्या कर रहे हैं कि मानव का रूप दे रहे हैं, उसको आँखें बता रहे हैं, दीर्घ सुमन कि पर्वत को आँखें हैं। फिर वो अपने आईने में, तालाब में क्या देख रहा है? अपना महान आकार देख रहा है। ये सब काम किसका होता है? मनुष्य का। तो जब पेड़ पौधे को भी या पर्वत पहाड़ को भी मानव का रूप दिया जाता है, मानवीय क्रियाओं से विभूषित किया जाता है, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। यहाँ पे पर्वत को भी मानवीय क्रियाओं करते हुए दिखलाया गया है। जिसके चरणों में पलाताल, देखिए पर्वत के चरण कहाँ हो सकते हैं? पर्वत का चरण, पर्वत सीधा खड़ा है, उसका नीचे वाला पोर्शन क्या होगा? उसका उसका पैर होगा, चरण होगा उसका। जिसके चरणों में पलाताल, और वो जो जल संग्रह हो रहे हैं वो एक तालाब बन गया है। दर्पण सा फैला है विशाल, और वो जो तालाब है ना वो दर्पण का काम कर रहा है। पर्वत अपनी आकार को उसमें देखने का काम कर रहे हैं। दर्पण सा फैला है विशाल, गिरि का गौरव गाकर झरझर। गिरि मीन्स पर्वत, पर्वत का गौरव कौन गा रहे हैं? तो झरझर करके कौन गा रहे हैं? तो मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झड़ते हैं झाग भरे निर्झर। मतलब कि कहने का अभिप्राय ये हुआ कि उस पर्वत के ऊपर से एक झरना सामान्य रूप से बह रहा, वो झरने की आवाज़ जो है बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुरीली आवाज़ है, कल 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 करके वो बह रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम किसी हिल एरिया में आ गए हों। मद में नस नस उत्तेजित कर, उस झरने की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा है कि पर्वत नशे में चूर है। मोती की लड़ियों से सुंदर, वो जो झरने का जो पानी गिर रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोतियों की लड़ियाँ बन रही हैं। झड़ते हैं झाग भरे निर्झर, और जब उस वो पानी जब पर्वत की चोटियों से टकराता हुआ जब ज़मीन पे गिरता है तो क्या होता है? झाग का निर्माण होता है। और झाग का जब निर्माण होता है तो लगता है जैसे कि दूध की नदी बह रही है। गिरवर के उड़ से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। गिरवर के उड़ से उठ उठ कर,
यानी कि गिरवर के उर से, उर यानी हृदय से, पर्वत के हृदय से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरोवर, तरोवर यानी कि पेड़, साल के पेड़ होते हैं उसके ऊपर, साल के पेड़ उच्चाकांक्षाओं से तरोवर हे झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। मतलब कि उसके ऊपर जो साल के पेड़ हैं वो आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं, वे ऊपर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तो उच्चाकांक्षाओं से तरोवर, बहुत ऊंची आकांक्षा है उनकी, उनकी आकांक्षा है कि हम पर्वत, ये आसमान को छू लें। हे झाक रहे नीरव नभ पर, नीरव यानी कि शांत, शांत आकाश में वो देख रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष बिना पलक झपकाए ऊपर आकाश आसमान की ओर देख रहे हैं, लेकिन कुछ चिंतित भी हैं कि बारिश होगी या ना होगी। उड़ गया अचानक लो भूधर, बारिश का मौसम है, पल पल वहाँ का प्रकृति वेश जो है परिवर्तित हो रहा है। तो क्या होता है कि एकाएक वहाँ से लो अचानक उड़ गया भूधर, मतलब कि एकाएक भूधर जो है, पर्वत जो है दिखना बंद हो गया। फरका अपार पारद के पर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पर्वत जो है वो पंख लगा करके पारे की भांति उड़ पड़ा हो और बादल का निर्माण कर दिया हो। रव शेष रह गए हैं निर्झर, केवल झरने की आवाज शेष रह गई है। हे फूट पड़ा भू पर अंबर, भू पर पृथ्वी पर अंबर फूट पड़ा हो ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होने लगी है। धस गए धरा में सभी साल, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साल के जो पेड़ हैं वो डर से क्या हो गए हैं, तो धरा में वो धस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, इतनी बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ताल जो है, तालाब जो है जल रहा है। उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में बिचर बिचर, यो जलद यान में बिचर बिचर। जलद यानी कि जल को देने वाला, यानी बादल। यो जलद यान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्र जाल, ऐसा कह रहे हैं कवि कि जलद यान में बैठ करके, बादल रूपी यान में बैठ करके इन जल, बारिश के देवता इंद्र भगवान को बोला जाता है। तो यूँ जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्र जाल, मतलब कि ऐसा कहना चाह रहे हैं कवि कि इंद्र भगवान भी बादल रूपी विमान में बैठकर खेल खेल रहे हैं, जादूगरी दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इतनी बारिश होगी कि पूरी पृथ्वी जो है वो जलमग्न हो जाएगी। इस पाठ में अब देखते हैं, इस पाठ में शिल्प सौंदर्य में क्या क्या प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पल पल, पल पल यानी कि समझ सकते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति दो बार हुई है, पल पल परिवर्तित। फिर सहस्र दृग सुमन फार, पर्वत की आंखों की तुलना किससे की गई है? फूल रूपी आंखें, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे भी अलंकार का प्रयोग किया गया है। अवलोक रहा है बार बार, बार बार में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। दर्पण सा, सासी जिसमें भी आता है वाचक शब्द, वो कौन सा अलंकार होते हैं? उपमा अलंकार। दर्पण सा फैला है विशाल, तो तालाब की तुलना एक दर्पण से की गई है, मतलब कि तालाब को दर्पण बताया गया है, उसमें पर्वत अपनी आकार को देखने में मशगूल हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।